अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास की फिज़िक्स और उसका पहला चैप्टर जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। मसलन दो बड़ी अहम चीज़ें जिनमें आज फ़र्क करेंगे वो है नेचुरल फिलॉसफी और साइंस। हम जानते हैं कि इंसान अपने इर्द गिर्द की चीज़ों सारी जितनी भी इसके पास चीज़ें हैं या कुदरत की बनाई हुई चीज़ें हैं उनकी खोजबीन में लगा रहता है। इवन कि हम लोग अपनी मिसाल लें तो हम एक दूसरे के राज तलाश करने में लगे रहते हैं। इस तरह इंसान जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें, कोई अल्लाह को मानता है या नहीं मानता, लेकिन इंसान ये कुदरत की बनाई हुई चीज़ें, पहाड़ हैं, दरिया हैं, समुंदर हैं, ये सितारे हैं, सियारे हैं, ये प्लैनेट्स हैं, ये सारी चीज़ों के मुतल्लिक जानना चाहता है। ये कैसे चीज़ें बनी, इन चीज़ों का वजूद कैसे आया, हाउ एंड वाई, दो चीज़ों का शुरू से ही जब से आगाज़ हुआ है इंसान का, तब जब से इंसान मार्ज वजूद में आया है तब से ही क्यूरियस है इसके मुतलिक। ये जानना चाहता है कि ये चीज़ें कैसे हैं और क्यों हैं, हाउ एंड वाई, इन दो सवालों के जवाब चाहता है। तो उसकी ये जो अटेम्प्ट्स थी, उसकी ये कोशिशें थी, उसका ये सारा कुछ था, इन अपने जवाब ढूंढना, उसके नतीजे में उसने बहुत सी लॉजिक्स, रीजनिंग। अब देखें, अक्सर हम जब बहस करते हैं आपस में, दो दोस्त बैठे हों, दो उलमाए कराम बैठे हों, दो साइंटिस्ट बैठे हों, हम टीवी टॉक शो सुन रहे हों, तो हम किसे समझते हैं कि वो दुरुस्त है, कह रहा है या उसकी बात ठीक है, किस बिना पे हम कहते हैं, जिसकी बात में लॉजिक हो। सो लॉजिकल, अब आज से तकरीबन समझ लीजिए 200-250 साल पहले तक, 18वीं सदी के एंड तक, जब 19वीं सदी शुरू हुई, 19वीं सदी से मुराद 1800, जैसे कि आजकल 21वीं सदी और 2000 समथिंग 19 चल रहा है। सो 19वीं सदी की बिगनिंग तक, मतलब 18वीं सदी ख़त्म हुई और 19वीं सदी की बिगनिंग तक, तो जितना भी नॉलेज था, जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी अब आपके इर्द गिर्द चीज़ें थी, रिसर्च थी, मालूमात थी, वो एक सिंगल डिसिप्लिन, वो एक सिंगल समझ लीजिए सब्जेक्ट था जिसके अंडर स्टडी होती थी, वो था नेचुरल फिलॉसफी, कुदरती फ़लसफ़ा। मतलब उसका समझ लीजिए नेचुरल फिलॉसफी थी क्या, साइंस तो बाद में आई, साइंस इज़ अ सन ऑफ नेचुरल फिलॉसफी, समझ लीजिए सबसे ब्रिलियंट सन नेचुरल फिलॉसफी का, एक एक सबसे जीनियस सो सन आगे बनेगा बेटा, वो साइंस है। सो नेचुरल फिलॉसफी क्या थी, नेचुरल फिलॉसफी ये थी कि आप इर्द गिर्द की चीज़ों को साइंसदान देखते थे, ये रिसर्च जो थी वो उसके लिए लॉजिक्स देनी पड़ती थी, मंतक देनी पड़ती थी, रीज़न देनी पड़ती थी भी कैसे। एक्सपेरिमेंटेशन इतना कोई नहीं था, एक्सपेरिमेंट्स इतने ज़्यादा उस वक़्त नहीं थे, अपरेटस इतने नहीं थे और एक्सपेरिमेंट्स पे इतना बिलीव नहीं किया जाता था जितना के लॉजिक्स पे। जैसे हम जानते हैं कि लाखों का मजमा बैठा हो, वहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक हैं या बड़े बड़े उलमा कराम, अपनी लॉजिक्स के ज़रिए, और वो लॉजिक्स कुरान और हदीस से लॉजिक्स ढूंढ के सेटिस्फेक्शन दे देते हैं। सो साइंसदान भी यही किया करते थे, लॉजिक्स के ज़रिए, लॉजिकल रीजनिंग के ज़रिए, जितने भी आपके इर्द गिर्द फिनामिना हैं, जितने भी सूरज का निकलना और गरूब होना, चांद का आना जाना, ज़मीन की गर्दिश, ये प्लैनेट्स की गर्दिश, सितारों का, सियारों का इलम, और आगे पीछे होना, पानी का बहाव, हवाओं का चलना, मौसमों का इस तरह से बदलना, ये सारी की सारी चीज़ें वो लॉजिक्स पे बिलीव करती थी, लॉजिक्स पे स्टैंड था उनका, उसके ऊपर वो खड़ी थी। सो नेचुरल फिलॉसफी समझ लीजिए, नेचुरल फिलॉसफी क्या थी, कुदरती फलसफा, कुदरत का फलसफा, कुदरत की बनाई हुई चीज़ों के मुतालिक लॉजिक्स दे के जवाब देना, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिक्स दे के कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें बनाई हैं, 2-4 10-20 साइंसदान बैठे, हाँ भाई मेरी लॉजिक तगड़ी है, मेरी लॉजिक स्ट्रांग है, मेरे इस जवाब की कोई सबूत अच्छे हैं, देखने वाली ऑडियंस भी कहते हैं इसकी लॉजिक अच्छी है, ये दुरुस्त है।
सो एक्सपेरिमेंट्स और डेटा उस वक्त इतना मायने नहीं रखता था, मालूमात इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशंस वो इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती थी जितना लॉजिक उस साइंसदान की, लॉजिक उस बंदे की, लॉजिक जितनी मायने रखती थी। सो नेचुरल फिलॉसफी समझ लीजिए वो स्टडी थी जिसका जिसका बिहाफ, जिसकी बुनियाद, जिसकी जो किसके ऊपर बिलीव करती थी, वो थी लॉजिकल रीजनिंग। जिसकी लॉजिक तगड़ी है, जिसकी मंतक स्ट्रांग थी, उसका उसकी थीरी, उसका रिजल्ट, उसके कॉन्सेप्ट, उसके आइडियाज़ माने जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, लेट 18 सेंचुरी, जैसे ही 18 सेंचुरी ख़त्म हुई, 1799 के बाद 18 सेंचुरी ख़त्म हो गई, 19 सेंचुरी का 1800 का आगाज़ हुआ, तो नेचुरल फिलॉसफी को क्या किया गया, नेचुरल फिलॉसफी से बर्थ हुई, आगाज़ हुआ साइंस का। नेचुरल फिलॉसफी ने बर्थ दी साइंस को, समझ लीजिए नेचुरल फिलॉसफी से साइंस निकली, साइंस, साइंस का आगाज। और साइंस असल में था क्या, साइंस जो लफ्ज़ था वो बेसिकली लैटिन वर्ड था, लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ था जिसे इंग्लिश में आगे चल के चेंज कर लिया, साइंस नाम रख लिया। असल में जो लफ्ज़ था वो सेंटिया, सेंशिया, जिसका मतलब क्या था, नॉलेज। ये नेचुरल फिलॉसफी ने बर्थ दी, नेचुरल फिलॉसफी का बड़ा अच्छा सपूत बेटा साइंस के लाया, साइंस के लाई, और वो लफ्ज़ असल में लातीनी ज़ुबान का था सेंशिया, जिसका मतलब नॉलेज है, और यहाँ से अंग्रेज़ों ने इसका नाम क्या रख लिया, वो नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे बहुत से मुसलमान साइंसदानों के नाम उन्होंने चेंज कर लिए हुए हैं, आजकल हम उन्हीं के नाम से जानते हैं, साइंस, साइंस जिसका मतलब नॉलेज। अब साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस की डेफिनेशन इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल फिलॉसफी। क्या डेफिनेशन है, साइंस बिलीव करती है दो चीज़ों पे, एक ऑब्जर्वेशंस पे और दूसरा एक्सपेरिमेंट्स पे। मैंने आपसे पहले कहा नेचुरल फिलॉसफी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती थी, नेचुरल फिलॉसफी लॉजिक्स पे था, हाउ एंड वाई का आंसर लॉजिक से दे दो तो नेचुरल फिलॉसफी थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए, फिर इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर जो रिजल्ट से उसके लिए क्या चाहिए था, आपके अपने बात को मनवाने के लिए क्या चाहिए था, अच्छी ऑब्जर्वेशन, मुशाहदा करते, देखते रहो देखते रहो देख, जैसे बच्चा पैदा होता तो साल डेढ़ साल बोलता नहीं है, बस चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, फिर बोलना शुरू करता है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू करता है। सो इसी तरह से ऑब्जर्वेशंस और क्या था, एक्सपेरिमेंट्स। साइंस किन दो चीज़ों पे खड़ी है, किन दो चीज़ों पे करती है, वो बिलीव करती है या उसका निर्भर है ना, उसका वो सारा कुछ डिपेंडेंट है, वो है दो चीज़ें, ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस जिसका असल मकसद नॉलेज गैदर करना है, कलेक्ट करना है। ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री किसकी, साइंस के अंदर फिर क्या है, ऑब्जर्वेशन पहले सबसे कीजिए चीज़ों के मतलब, जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, और फिर उन पर क्या कीजिए, प्लस एक्सपेरिमेंट कीजिए, इससे जो डाटा गैदर होगा, कलेक्ट होगा, वो साइंस के लाए, साइंस के लाए। अब साइंस बहुत वसी थी, चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कायनात के अंदर, जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें, जानदार चीज़ें लातादाद हैं, बेजान चीज़ें लातादाद हैं, तो साइंस को फर्दर दो फील्ड्स के अंदर डिवाइड करना पड़ा। जैसे दरख्त बहुत बड़ा जब होता है तो उसके जो तना है उसकी दो शाखें, दो तने निकलते हैं, दो शाखें निकलती हैं, इसी तरह से साइंस बहुत वसी। नेचुरल फिलॉसफी की कहानी ख़त्म होगी, नेचुरल फिलॉसफी स्टिल चल रही है, मुख्तलिफ शक्लों में फिलॉसफी अभी भी मौजूद है, यूरोप में भी और यहाँ भी, हमारे एशिया में भी। सो लेकिन ज़्यादा अब डिपेंडेंट, ज़्यादातर भरोसा साइंस पे किया जाता है। सो हम बात करेंगे साइंस जो बेटा था, जो फील्ड थी, कहाँ से निकली थी, नेचुरल फिलॉसफी थे, उसकी दो शाखें, दो शाखें बन गई, कौन कौन सी, एक फिजिकल साइंस और दूसरी बायोलॉजिकल साइंस। अब ये दो शाखें किस बुनियाद पे थी, देखिए कायनात के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, या तो जानदार हैं या फिर बेजान हैं,
हम इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं, हम जानदार हैं, पौधे जानदार हैं, जानवर जानदार हैं, और जितनी भी इनके अलावा चीज़ें देखते हैं, सितारे, सियारे, ज़मीन, चांद, ये दरख्त, ये सॉरी ये घर, ये दीवार, ये वाइट बोर्ड, ये पंखे, ये गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें बेजान हैं। सो साइंस को दो शोबों में तकसीम कर दिया, बेजान चीज़ों का इल्म और जानदार, बायो मीन्स लाइफ। तो इसका मतलब लिविंग थिंग्स का इल्म, नॉलेज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स, बायोलॉजिकल साइंस, और नॉन लिविंग थिंग्स का, वो चीज़ें जिनका लाइफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनका इल्म किस में जाएगा? फिजिकल साइंस में, फिजिकल साइंस में। और ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स, ये साइंस में भी मेजरमेंट्स का ताल्लुक है, और एक अनपढ़ आदमी भी मेजरमेंट्स कर रहा है, एक रेडी वाला भी मेजरमेंट करके चीज़ें देता है आपको, एक पढ़ा लिखा आदमी मेजरमेंट। तो मेजरमेंट्स का ताल्लुक पढ़े लिखे और अनपढ़ से नहीं है, इसका ताल्लुक इंसान के साथ है। मेजरमेंट्स लेना हर कोई चाहता है, पैमाइश लेना हर कोई चाहता है, तो उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस आने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। अब फिजिकल जो साइंस है, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस को भूल जाइए, बायोलॉजिकल साइंस से आगे शाखें निकलेंगी जो कि बायो, आगे बॉटनी, जूलॉजी निकलेंगी, लिविंग थिंग्स हैं। फिजिकल साइंस जो थी, फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स का इल्म थी। फिजिकल साइंस की आगे पांच बड़ी ब्रांचेस बन गई। फिजिकल साइंस वो साइंस जिसमें हम बेजान चीज़ों का इल्म हासिल करते थे, उसकी पाँच आगे मेन फील्ड्स बन गई। पाँच फील्ड्स बन गई उसकी। कौन सी? सबसे पहली फील्ड का नाम, सबसे इम्पॉर्टेंट फील्ड का नाम फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मैं बताता जाता हूँ क्या, उसके बाद जियोलॉजी और मटेरियोलॉजी, मटेरियोलॉजी। फिजिक्स आप जानते हैं जो हमारा सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस के अंदर है। केमिस्ट्री एसिड्स बेसिस का इल्म है। एस्ट्रोनॉमी सितारों, सियारों, प्लैनेट्स का इल्म है। जियोलॉजी ज़मीन की क्रस्ट का, ज़मीन की स्ट्रक्चर का, ज़मीन के अंदर क्या है, क्या लावा कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है, सारा कुछ जानना जियोलॉजी है। मटेरियोलॉजी क्या है? मटेरियोलॉजी है मौसमियात, वेदर फोरकास्टिंग, किस तरह से बिहेव करेगा वेदर, बहुत अहम सब्जेक्ट बन चुका है। ये पांच बड़े शोबे हैं, ब्रांचेस हैं फिजिकल साइंस की। हमारी जो ब्रांच है वो है फिजिक्स, बाकी सबको भूल जाइए, हमें फिजिक्स पे फोकस करना है। आइए देखते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन। व्हाट इज फिजिक्स, जो आम एक स्टूडेंट का सवाल होता है, फिजिक्स क्या है? बच्चों, फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। आइए, तीन चीजों का जिक्र किया इसमें, मैटर, फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर प्लस एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एनर्जी और साथ में क्या, एंड देयर इंटरेक्शन एंड देयर रिलेशनशिप। इन चीजों का इल्म जो है वो फिजिक्स है। मैटर क्या है? कायनात की हर चीज़ जो क्या रखती हो, मैस रखती हो, और मैस कायनात की हर चीज़ के पास है, वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, मैस हर चीज़ के पास। मैटर की क्या डेफिनेशन है? एनीथिंग विच हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो मैस रखती है और स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट इज़ मैटर। तो कायनात के अंदर हर चीज़, जानदार हो, बेजान हो, सितारे हो, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन हो, जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे, वो मैस भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं, मैटर है। और एनर्जी क्या चीज़ है? अगर मैटर के पास मैं एक मैटर हूँ, अगर मेरे पास कुछ करने की सलाहियत होगी तो वो एनर्जी कहलाएगी। अबिलिटी टू डू वर्क मैटर के पास जो प्रॉपर्टी होती है कुछ करने की, काइनेटिक या पोटेंशियल, कुछ करने की जो सलाहियत होगी, मुझे अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया, मैं मैटर हूँ, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरे पास एनर्जी भी है, मेरे पास पोटेंशियल भी है। सो मैटर, एनर्जी और इनके रिलेशनशिप की स्टडी क्या कहलाएगी? फिजिक्स। आम सिंपल से लफ्जों में, मैं एक मैटर हूँ, सूरज की रोशनी मुझ तक आ रही, एनर्जी है, उसकी आपस में इंटरेक्शन फिजिक्स कहलाएगी। ठीक है, लैदा से मैटर को स्टडी कर लो, लैदा से एनर्जी को स्टडी कर लो, इनके रिलेशनशिप को स्टडी कर लो, दैट इज़ फिजिक्स। सो फिजिक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी वेरी वास्ट, बहुत वसी एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर कायनात की हर चीज़ ही आ जाती है। अच्छा, अब फिजिक्स का फ़ायदा क्या हुआ?
हमें फिजिक्स से बेपनाह फ़ायदा हुआ, हमारी डेली लाइफ बड़ी ही आसान हो गई फिजिक्स की बदौलत। आइए वन बाय वन देखते हैं सो फिज़िक्स के हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या फ़ायदे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बड़ा ही आसान कर दिया है। मसलन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मसलन फिज़िक्स जिसका हमारा मेन फोकस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिज़िक्स कार को देख लीजिए। एक कार को आप देखिए, एक कार जो है आपको इसके चलने से लेके इसके स्ट्रक्चर बनने तक हर चीज़ जो है फिजिक्स की बदौलत है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने काम किया होगा, मैकेनिकल इंजीनियर्स ने काम किया होगा, और उन्होंने कौन से प्रिंसिपल्स इस्तेमाल किए फिजिक्स के, इन्हें जोड़ा कैसे, फिजिक्स के रूल से एंगल्स बनाए होंगे, फिर इनके अंदर जब इंजन फिट कर दें, इंजन की वर्किंग, फ्यूलिंग, इस तरह से इसका चलना, इसमें से एग्जास्ट होना धुएं का, वो सारे का सारा क्या, किसकी वजह से, किस कौन से प्रिंसिपल्स हैं, फिजिक्स है। सो कार का चलना, गाड़ी का चलना फिजिक्स है। इसके अलावा गाड़ी के चलने के, घर में रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर हर घर में मौजूद है, बर्फ़ बनाने वाला, पानी ठंडा करने के लिए। सो रेफ्रिजरेटर की वर्किंग के अंदर आप देखिए वो कूलिंग किस तरह से करता है, वो सारे का सारा अमल किसकी वजह से है, कौन से प्रिंसिपल्स हैं उसके पीछे, फिजिक्स। ये दो मैंने मिसालें दे दी। आइए अब वन बाय वन फिजिक्स की हमारी डेली लाइफ के अंदर जो आसाइशें फिजिक्स ने हमें दी हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स के नुकसान भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं। फ़ायदे तो बेपनाह हैं, नुकसान भी इससे बहुत से हुए हैं, वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या जी, यूजेस समझ लीजिए हमारी डेली लाइफ के अंदर, इसके फ़ायदे समझ लीजिए, इम्पॉर्टेंस समझ लीजिए, किस कदर डेली लाइफ के अंदर इसने, इसकी इम्पॉर्टेंस है, कितने इसने फ़ायदे दिए हैं, सबसे पहले देखते हैं। मिसाल के तौर पे पुली का इस्तेमाल करते हैं हम बहुत भारी और कम चीज़ों को उठाने के लिए। अक्सर देखा होगा बोर करने के लिए आते हैं, पंप लगवाना हो या नल लगवाना हो तो वहाँ बोरिंग की जाती है, तो बोरिंग के नतीजे में बहुत हैवी सा नीचे से मट्टी खींचने वाला निकलता है, तो वहाँ देखा है इस क्या जी, वो पुली लगी। इसी तरह से कभी आपने ट्रांसफार्मर चढ़ाते देखा हो, ट्रांसफार्मर इतना हैवी, इतना वजनी ट्रांसफार्मर है, और एक आध दो बंदे बड़ी आसानी से उस चेन को खींच रहे होते हैं जो पुली के जरिए वो चढ़ रहा होता है ऊपर। सो पुली इसी तरह बड़े भारी भरकम खंभे लगाने हो तो वहाँ पुली का इस्तेमाल कर, तो पुली के जरिए, पुली से हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से फ़ायदे हुए, जिसमें कौन सा रूल, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा कानून है फिज़िक्स का, जिसके हम भारी चीज़ों को आसानी से उठा लेते हैं। मंडियों के अंदर चले जाएँ, वहाँ चीजें उठानी हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर पुलिस का इस्तेमाल है, जो बड़ी बड़े कंटेनर्स को उठाने के लिए। सो पुली एक सबसे पहली इसकी मिसाल, सबसे पहली इसका फायदा फिजिक्स का यूजेस के अंदर, इस्तेमाल के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर सबसे पहले। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज हमारी जिंदगी की, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी ना सिर्फ क्या कर रही है, ना सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट प्लस क्या मिल रही है, हमें नज़र आ रहा है हीट प्लस लाइट मिल रही है, लेकिन इसके अलावा क्या मैकेनिकल एनर्जी नहीं मिल रही, मोशन वाली एनर्जी नहीं मिल रही, फैंस चलते हैं, एयर कंडीशनर चलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मोबाइल फ़ोन चार्ज होते हैं, सो जनरेटर्स चला के ये इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। सो हीट एंड लाइट के अलावा, इलेक्ट्रिसिटी हीट एंड लाइट के अलावा प्लस हम मैकेनिकल एनर्जी क्या करते हैं, हासिल करते हैं। ये क्या है, मैकेनिकल एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसमें मोशन पैदा हो रही हो, ऐसी एनर्जी जिसे हम क्या करेंगे, हम अपने मोबाइल फ़ोन से लेके हर चीज़ चार्ज कर लेंगे, मोशन आ जाएगी चीज़ों के पास, वो इलेक्ट्रिसिटी की बदौलत है। उसके बाद जी तीसरी एप्लीकेशन है, तीसरा यूज़ है फिज़िक्स का हमारी डेली लाइफ के अंदर, दैट इज़ वो क्या है जी, डोमेस्टिक एप्लीकेशन देख लीजिए, घर के अंदर जितनी भी अप्लाइंसेस, इस्त्री से लेके एयर कंडीशन से लेके माइक्रोवेव ओवन से लेके रेफ्रिजरेटर से लेके एसी से लेके हर आयरन से लेके हर चीज़ के अंदर किस चीज़ का प्रिंसिपल है, कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है, कौन से कानून शामिल है, फिजिक्स। सो फिज़िक्स हमारी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर, डोमेस्टिक चीज़ों के अंदर भी, उस अप्लाइंसिस के अंदर भी, अप्लाइंसेज चीज़ें, डिवाइसेस घर के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं, उन सब के अंदर कपड़े धोने वाली मशीन से लेके, सिलाई मशीनों से लेके, इस्त्री करने से लेके, रेफ्रिजरेटर से लेके, एसी से लेके, हर चीज़ के अंदर हमारे घर में क्या इन्वॉल्व है, फिजिक्स इन्वॉल्व, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस के अंदर फिजिक्स इस्तेमाल है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन मीन्स गाड़ियाँ,
जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ियां हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, कश्तियां हैं, इन सब के अंदर किस चीज़ के प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहे हैं? फिजिक्स के। सबसे पहले हमने पुलिस देखा, फिर हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखा, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से फिजिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके हमें फ़ायदा दे रही है, डोमेस्टिक अप्लाइंसिस के अंदर किस तरह से हमें फिजिक्स का फ़ायदा पहुँच रहा है, फिर ट्रांसपोर्टेशन मीन्स हैं जिनमें हमें क्या मिल रहा है फ़ायदा, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, गाड़ियों का चलना है वो किसकी बदौलत है, फिजिक्स, जहाज़ों का उड़ना है, हेलीकॉप्टर्स का उड़ना है, बहरी जहाज़ों का चलना है, कश्तियों का चलना है, साइकिलों का, बाइक्स का, सारा का चलना किसकी बदौलत है, फिजिक्स की बदौलत। इसके अलावा पाँचवा बड़ा अहम फ़ायदा, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा क्या होगा, टेली कम्युनिकेशन। हम क्या करते हैं, एक दूसरे से रابطہ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, कंप्यूटर्स के ज़रिए, टैब्स के ज़रिए, इन सारी चीज़ों के, टेलीविजन्स के ज़रिए क्या हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं देख रहे, वो दुनिया के किसी किनारे के प्रोग्राम हो रहा हम अपने घरों में देख रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन, और उसके अंदर कानून है फिज़िक्स का, मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, आम सोफे फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर लेते हैं, लाखों किलोमीटर की मुसाफत पर बैठा बंदा उससे बात कर रहे हैं, कौन से कानून है फिज़िक्स के। सो फिज़िक्स हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सहल कर दिया, बहुत ज़्यादा सहूलत दी है। एक मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले देते हैं, सो मोबाइल फ़ोन से क्या फ़ायदा हुआ है, हम अपनी तस्वीरें खींच के वो करोड़ों किलोमीटर दूर एक मैसेज भेजते हैं, तस्वीरें पहुंच जाती हैं, मैसेज लिखते हैं सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंच जाता है, वीडियो कॉल करते हैं आपका वीडियो पैगाम उस तक पहुंच जाता है, मेल करते हैं आपका पैगाम पहुंच जाता है। तो एक सेल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन किस तरह से फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए हमारी ज़िंदगी को सहल कर रहा है, और इसके पीछे बायो नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, एस्ट्रोनॉमी नहीं है, क्या है, फिज़िक्स है। सो फिज़िक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ये तो थी इसकी एप्लीकेशन, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले पुली, जिससे हम बहुत भारी भरकम चीज़ें उठाते हैं फिज़िक्स, इलेक्ट्रिसिटी जिससे हम हीट और लाइट के अलावा मैकेनिकल एनर्जी हासिल करते हैं चीज़ों में, मोशन, बैटरियां चार्ज करते हैं, मोशन पैदा होती है। इसके अलावा तीसरा था डोमेस्टिक अप्लाइंसेज, घरों के अंदर इस्त्रियां, घरों के अंदर सिलाई मशीनें, घरों के अंदर वॉशिंग मशीनें, एयर कंडीशनर, जितनी भी घर के अंदर चीज़ें हैं वो सारी फिज़िक्स की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स गाड़ियां, जितनी भी जहाज़, बाइक, साइकिल, सारे की सारी मोशन स्किन की वजह से, फिज़िक्स की वजह से। फिर टेली कम्युनिकेशन मीन्स मोबाइल फ़ोन से लेके, कंप्यूटर से लेके, टैब से लेके, टेलीविज़न से लेके, डिशेज से लेके, सारी की सारी चीज़ों का चलना फिज़िक्स की बदौलत है। वैक्यूम क्लीनर्स हो, मोबाइल फ़ोन्स हो, सारे का सारा इस्तेमाल फिज़िक्स का है। अब आइए फिज़िक्स के ड्रॉबैक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुकसान क्या हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, दो नुकसान बड़े अहम हैं, बहुत से और भी होंगे लेकिन हम दो पे फोकस करेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं। वो दो जो इसके नुकसान हैं, वो सबसे पहला है, सबसे पहला ड्रॉबैक, सबसे पहला इसका नेगेटिव पॉइंट, वो क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। आप देख सकते हैं गाड़ियों के चलने से कितनी पोल्यूशन पैदा हो रही है, आप देख सकते हैं इन सारी नहीं पोल्यूशन, एयर कंडीशनर चलने से कितना नुकसान हो रहा है, मशीनें चलने से कितने शोर की आलूदगी पैदा हो रही है, ये सारी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। और उसके बाद डेडली वेपन, हमने अपनी सेफ्टी के लिए वेपन्स तो बनाए थे लेकिन उनका इस्तेमाल क्या करना शुरू कर दिया, फिज़िक्स के रूल्स इस्तेमाल करके न्यूक्लियर पावर तो बनाई थी, न्यूक्लियर बम तो बनाए थे, एटॉमिक बॉम्ब्स तो बनाए थे, डेडली वेपन्स तो बनाए थे, लेकिन उसका नुकसान, मैनकाइंड ख़तरे में है, इंसान ख़तरे में है, और लाखों जाने आप जानते हैं जंग अजीम अव्वल और दोम में अपने हाथ, अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, तो ये सारे का सारा फिज़िक्स की वजह से है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन आप जानते हैं, एक सदी के अंदर एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका है, फैक्ट्रियों, गाड़ियों, इंडस्ट्रीज़, इन सब के इस्तेमाल से, एयर कंडीशन के इस्तेमाल से, टेलीविज़न, मुख्तलिफ चीज़ों के इस्तेमाल से ये सारा नुकसान हुआ। और डेडली वेपन से क्या हुआ, ना सिर्फ जंगलात को बल्कि पौधों, इंसानों, जानवरों, इन सब को बहुत सारा नुकसान पहुंचा, बहुत सी किस्म के जानदार नापैद हो चुके हैं, इंसानों की बहुत बड़ी जो जनरेशन है वो बिल्कुल इस सफाई हस्ती से मिट चुकी है। तो ये दो नुकसान भी किसके हैं, फिज़िक्स के। ये था आज का हमारा पहला लेक्चर जो किसके मुतलिक था, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। उम्मीद करते हैं आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे दूसरे लेक्चर के साथ। हमारा चैनल जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।